अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है आप सभी के लिए। मैंने भी स्टार्ट करने शुरू किया ब्लॉग, और एक बात बोलना था कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। और आज जाएंगे कहीं घूमने, चलिए ऐसे ही टहलते टहलते घूम के आते हैं। चलिए वीडियो में मिलते हैं। तो मैं बाहर निकल गया हूँ और मुझे ग्लव्स भी पहनना है, तो चाबी को पॉकेट में रख लेते हैं। ग्लव्स पहनते पहनते जाएंगे। वो मेरे पापा कुछ काम करवा रहे हैं अभी। इधर से क्या कर रहे हैं यहाँ पर मेरे दोस्त। हमको फ़ोन किया था अभी कि बोला कि तू भाई आ जा, एक तो जगह है यहाँ पर एलोड्रम बोल के, तो वहाँ पर बोला आने के लिए। तो वहाँ पर जाके मिलते हैं सबसे, फिर इसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे हम लोग। असल में प्रॉब्लम एक है कि यहाँ पर मेरा जो बाइक है, जो रखा हुआ है बाइक, वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मेरा जो कार है, तो कार के साथ साथ ये हेडफोन का बैठो प्रॉब्लम दे रहा बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा ऐसे मुझे छोटा छोटा प्रॉब्लम होता ही रहेगा। देखिए इतना सा जगह से हमको निकालना पड़ेगा मेरा बाइक, व्हाट द हेल। चलिए बिस्मिल्लाह। पता नहीं लोग इंतजार कर रहा मेरा अभी तक। वो बोले कि कहीं बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, कुछ सरप्राइज है। हमको बोला यहाँ पर एक नदी है, वहीं पर जाने के लिए। तो ये सरप्राइज क्या है, नदी जाएंगे तो सरप्राइज क्या है उसमें, लोग अजीब है। लेकिन हाँ, नदी का जो व्यू है ना, वो अलग ही एक मजा, अलग ही मजा आएगा उसमें। चलिए पहले वहाँ पर जाके हम लोग मिलते हैं, डायरेक्ट नदी में मिलेंगे। पहले हमको बोला एलोड्रम आने के लिए, पर एलोड्रम से उसके बाद पता नहीं नदी जाएगा कहीं और जाएगा। ओह ओह ओह, ठंडा तो है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। इतना धूप है फिर भी ठंडा लग रहा, पता नहीं क्या है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है क्योंकि हमको घर पे टाइम वेस्ट हो रहा था बेकार बेकार। हम सोचे यार इससे अच्छा कुछ बना ले, ठीक है, पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है। हम सोचे कि भाई घर में बैठ बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, जॉब वॉब में कोई प्लानिंग नहीं है, तो उससे अच्छे थोड़ा ब्लॉगिंग बना लेते हैं। घर में बैठे बैठे क्या करेंगे सारा दिन। हमको डर लगता गाय से, बहुत ज़्यादा डर लगता है। गाय के आगे हम कभी नहीं जाते हैं। हमको लोग बोला है कि भाई एलोड्रम आने, ये एलोड्रम है लेकिन अभी पहुँचे नहीं वहाँ तक। एलोड्रम में कहाँ है वो लोग, हमको वो तो पता नहीं है ना। अब इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, चलिए इधर ही जाते हैं। स्कॉर्पियो लेके हैं, वहाँ पर एक स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा मुझे, चलिए देखते हैं वहीं पर होगा शायद। स्कॉर्पियो में आए, बोले भाई बाइक में जा रहा है यार सब एक साथ, स्कॉर्पियो का लेके आ रहा है।
गलत रास्ता में आ गया, पहले उधर से आना चाहिए था हमको। बहुत ठंडा है रास्ता में, बहुत ठंडा है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी, तो वो तो बनता ही है। है मेरा, आप लोग अभी सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो हम कैसे बढ़ेंगे बताइए। अब हमको आप लोग डिसलाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमको तो ख़राब लगेगा, फिर हमको मन भी नहीं लगेगा, फिर हमको घर में पड़ा पड़ा सारा दिन बैठे रहो, फ़ोन चलाओ बस। और हाँ एक बात बताते हैं, हमसे इतना अच्छा हिंदी भी नहीं होता क्योंकि हम बंगाली हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा होता है कि मेरा जो दोस्त लोग है उन लोग को बंगाली नहीं आता, ठीक है, तो ज़्यादातर हम सब चीज़ में अब हिंदी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा बात नहीं बांग्ला पसंद नहीं है, बांग्ला अमर गौरव, लेकिन ऐसा ही है कि मेरा दोस्त लोग समझेगा नहीं फिर हम, वो है क्या हमको तो पता नहीं है। अब कहाँ पर है, हमको फ़ोन भी करना होगा, वो तो है ही नहीं हमको लग रहा। दूसरा कोई नहीं होगा, अजीब हो जाएगा फिर, नहीं लोग तो है नहीं। नहीं आर्यन है, कहाँ है आर्यन, कितना देर बोला, पाँच मिनट हमको बोला कि हम लोग पहुँच गए हैं, फिर भी अभी बोल रहे कि पाँच मिनट और लगेगा, ठीक है वेट कर लेते हैं उसका। तो वो देखिए मेरा दोस्त आ रहा है, वो देखिए मेरा दोस्त आ चुका है। Hey, what's up, buddy? तुम बुलाए हम आ गए। हमारे दोस्त मिले नहीं हमें। चल ठीक है सब। सब बढ़िया यार। इतना लेट हो गया यार तेरा। हाँ? इतना लेट हो गया। लेट हो गया क्या करे, जगह भी तो बदल दिया। हेलमेट तो बहुत मस्त लग रहा है तेरा। वो देख सकते हो यार। जितना डीपिंग। एंड मेरा भाई का क्या बोलते, इसका नाम क्या था भूल गए। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं तेरा वाला नाम क्या रखा था इसका? Batman. क्या बैटमैन। तो यहाँ पर काफ़ी देर हो गया है तो हम लोग अब निकलने वाले हैं। यहाँ पर आर्यन अभी पहन रहा है उसका ग्लव्स, कहीं गुम हो गया था फाइनली। हाँ शीशा वीसा पड़ा हुआ है पर सब पी पा के यहाँ पर गिरा के रखा है। चल ऑफ रोडिंग होने वाला, पूरा ऑफ रोडिंग होने वाला आज। प्रॉब्लम तो बहुत होगा गाड़ी में, ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभार करना चाहिए क्योंकि गाड़ी में सर्विस अभी तक कंप्लीट नहीं है, सर्विस करवा लेंगे, सर्विस का भी ब्लॉग आ जाएगा बहुत जल्दी। पहले हमको इसमें आप लाइक सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए तो ऑटोमेटिकली सब वीडियो आएगा मेरा। जा रहे हैं वो एक अलग ही व्यू वाला जगह है, सबको पसंद आएगा। रश तो बहुत है, देखिए व्यू देखिए, बहुत अच्छा व्यू है इधर, इधर देख सकते हैं। What a view! हाथ छोड़ के बाइक नहीं चलाएंगे क्योंकि जब वीडियो मेरे फैमिली में कोई देखेगा तो हमको फिर बोलने ले आएगा कैसे से बाइक चलाते हो तुम, ब्लॉग में देखते हैं फिर
मेरा ही प्रॉब्लम होगा ना। राइट साइड आ गया मैं भी। तो आर्यन का कुछ दोस्त है, वो भी अपना बाइक निकालने आया है ऊपर, तो देख सकते हैं ये दोस्त। हाँ सब दिखाएगा, सब ऐसे करो, सब ऐसे करो, सब ऐसे ऐसे, सब ऐसे करो। हाँ लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सब निकलने वाला देख रहे, तो व्हीली मार मार के जा रहे सब। वंस मोर ब्रो, वंस मोर, वंस मोर, वेट वेट ले भाई, वंस मोर ब्रो। इतना स्पीड में ऐसे चला रहा है लोग, मतलब क्या बताएं। हम तो सोचते नॉर्मली जाएंगे सब एक साथ, ऐसे चलाएगा हमको नहीं पता था, किसी का कुछ हो ना जाए। ए आकीब आस्ते चला भाई, अब आस्ते चला भाई। कौन है ये लोग? नहीं सुन रहा भाई, ये कौन आ गया? ये लोग कैसे बाइक चला रहा हमको पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं चलाना चाहिए बाइक। इधर कहाँ जा रहा भाई, कहाँ ले जा रहा है ये लोग, हमको पता ही नहीं चल रहा है। ये लोग लोग जाने के कोई और कहाँ है, और कहीं जाने का प्लानिंग था, ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग, ऐसे ऑफ रोडिंग करवाए हुए लोग, ऐसे मानते हैं कि ऑफ रोडिंग है, लेकिन इतना खराब, कहीं भी जा रहा है लोग, कहीं भी। गलत रास्ता में घुस गए हम लोग, नहीं नहीं सॉरी वो गलत हो गया। आर्यन एक बार हाय कर देना। हाँ देखिए यहाँ पर भाई ऐसा मत चला भाई तू लोग, हमको डर लग रहा होगा कुछ हो ना जाए बस, और कुछ नहीं, बहुत बहुत मतलब डेंजरस रास्ता है यहाँ पर, कुछ हो ना जाए बस यही चाहूँगा। आराम से जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बालू है ना, तो बालू में बाइक का जो टायर है स्कीड हो रहा है, देखिए उसका बाइक में नोटिस कीजिएगा नीचे, मतलब थोड़ा भी एक्सीलेटर देंगे ना तो स्कीड होगा, मतलब बालू बहुत ज़्यादा है, आराम से आएंगे तो ठीक चल जाएंगे, थोड़ा भी स्पीड में अगर करने जाएंगे तो बस हो गया फिर। अब आ गया वो भी, अब वो ऐसे चलाएगा बाइक क्या बताएं, को तो डर ही लगता है। देखिए अभी से पीछे से वो एक्सलेटर झार रहा कि आगे जाएंगे बोले ना, आगे आगे वो हमको पता था, देखिए वो स्टार्ट हो गया भाई, डोला मत उड़ा भाई। कहाँ जाना, कहाँ रखिए, यहाँ पर वीडियो शूट होगा तो ये पर सब बाइक लगा रहे हैं लोग। फाइनली अब पहुंचने वाले हैं हम लोग, तो देखते हैं पहुंचते कि नहीं, काफ़ी लेट हो गया है, सुबह निकले अब शाम तक घर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। असल में ऐसा हुआ कि वो जो दोस्त लोग था वो लोग वीडियो वीडियो शूट करने में, फिर लोग वीडियो शूट किया हुए रील्स वील्स बनाया उन लोग, तो इसी के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, और कुछ नहीं आ तो रहा है वो।
उसको भी नहीं पता कि ये झगड़ा आया नहीं अभी तक, हम एक बार आ चुके हैं बहुत पहले, शायद अब पहुंचने वाले हैं। ठंडा बहुत लगेगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा है, देखिए कितना डेंजरस जगह है। बहुत ये हो गया, ये व्यू चाहिए था इतना देर से, यही तो जगह था है ना, देखो बोले थे ना, देखिए ये जो व्यू आप लोग देख सकते हैं, देखिए एक बार देखिए इधर व्यू खाली, और ये रास्ता सबसे डेंजरस। डेंजरस है देख सकते हैं आप लोग, कितना डेंजरस, थोड़ा स्पीड होगा तो एकदम नीचे, चलिए अब निकलते हैं। देख रहे बालू, पूरा बालू लग गया गाड़ी में, हालत खराब गाड़ी का, बहुत स्ट्रगल लग गया ब्रो। चल रे, पार हो गया किसी तरह, वाह देखिए ये बस व्यू तो देख ही सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर। शाम का टाइम में ऐसे ही घूमते घूमते अगर आ गए कभी, बैठने में आराम से पूरा मज़ा लगेगा, दोस्त लोग रहेगा, फैमिली भी ठीक ठाक ही रहेगा। इधर से तो राइट चल जाएगा ना, हम चल जाएंगे इधर से, ठीक चल मिलते हैं, टेक केयर बाय। तो आर्यन चला गया है दीजिएगा, तो इसीलिए हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे। अपना घर हम पहुंच चुके हैं, अल्लाह हाफिज़।